तरफ कांग्रेस दलितों का मसीहा बनने का ढकोसला कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों का अपमान किया जा रहा है। मेरा बस चले तो मैं तो और मारूं। दलितों के हक मारे जा रहे हैं, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। कहीं कांग्रेस के विधायक दलित से अपने जूते चटवा रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस के दलित नेता पार्टी में उचित सम्मान और जगह न मिल पाने के कारण दुखी हैं। जो कांग्रेस अपने दलित विधायकों का साथ नहीं दे सकती, वो दलित समाज का साथ भला कैसे दे सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने उस विधायक का साथ छोड़ दिया था जिसका घर एक धर्म विशेष के लोगों ने जला दिया था। साल 2020 में भयावह बेंगलुरु दंगों के दौरान एक विशेष समुदाय की विशाल भीड़ ने सड़कों पर उत्पात मचाया और डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशनों पर हमला किया। पुलिस वाहनों और कई अन्य वाहनों को आग लगा दी और कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति का घर भी जला दिया। तुष्टिकरण की राजनीति और एक विशेष समुदाय के वोटों के खातिर कांग्रेस ने अपने दलित विधायक को अकेला छोड़ दिया था और चुनाव में टिकट तक नहीं दिया। दलितों से कांग्रेस कितनी घृणा करती है, इस बात का अंदाजा इस ही बात से लगाया जा सकता है कि जब एक दलित परिवार से आने वाला व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा, तो कांग्रेस ने उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई तक नहीं दी थी। कांग्रेस अपने घमंड में इतनी चूर थी कि वो देश के राष्ट्रपति को भी महत्व सिर्फ इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस के अंदर दलितों के प्रति नफरत कोई नई बात नहीं है, ये नफरत तो नेहरू जी के जमाने से है। कांग्रेस ने कभी चाहा ही नहीं कि दलित वर्ग के लोग आगे उठकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। बाबा साहेब अम्बेडकर से नेहरू कितनी नफरत करते थे ये पूरा देश जानता है। नेहरू से जितना विरोध हो सकता था उतना विरोध उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का किया। नेहरू को लगता था कि एक दलित समाज से आने वाला शख्स उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उनसे ज्यादा विद्वान कैसे हो सकता है। दलित समाज से आने वाले बाबा साहेब कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी थे। आज बाबा साहेब को भले ही संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य ना बन जाए इसके लिए नेहरू ने जी जान लगा दी थी। कांग्रेस ने बाबा साहेब को दो बार लोकसभा चुनाव हरवाने की साजिश रची थी। अंतरिम सरकार से इस्तीफे के करीब एक साल बाद देश में पहला आम चुनाव हुआ और 1952 में हुए पहले आम चुनाव में बाबा साहेब ने उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने उनके खिलाफ एनएस काजोलकर को खड़ा किया। काजोलकर दूध व्यवसायी थे और बाबा साहेब के सहयोगी रह चुके थे। नेहरू ने काजोलकर के लिए चुनावी सभाएं आयोजित करवाई थी। नेहरू खुद भी दो बार बाबा साहेब के खिलाफ लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे। 14,000 से ज्यादा वोटों से बाबा साहेब चुनाव हार गए। बाबा साहेब से कांग्रेस की नफरत यहीं खत्म नहीं हुई। कांग्रेस ने 1954 में भंडारा लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में बाबा साहेब को एक बार फिर हराया। बाबा साहेब को हराने के 18 साल बाद 1970 में कांग्रेस सरकार ने बाबा साहेब को हराने वाले काजोलकर को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री तक से सम्मानित किया। वहीं कांग्रेस ने एक ही परिवार के तीन लोगों को तो भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहेब को हमेशा नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने संसद के केंद्रीय कक्ष में भी बाबा साहेब की तस्वीर को जगह नहीं दी। कांग्रेस ने दीवार पर जगह नहीं होने का हवाला देकर तस्वीर लगाने की मांग को हमेशा खारिज किया। अंबेडकर के अलावा कांग्रेस ने दलितों के बड़े नेतृत्वकर्ताओं में से एक जगजीवन राम जी को योग्य होने के बावजूद प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उनका अपमान किया, उनका हक उनसे छीन लिया। इमरजेंसी से पहले बाद में उन्हें शक के दायरे में रखा गया। केंद्रीय जासूसी एजेंसियां उन पर कड़ी नजर रखे हुए थी। उनकी वरिष्ठता के बावजूद इंदिरा गांधी ने वैसे तो उनसे कभी कोई सलाह नहीं ली, लेकिन जब कैबिनेट की बैठक में आपातकाल का प्रस्ताव पास कराना था तो उनसे ये काम कराकर उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। इन सब से परेशान होकर बाबू जगजीवन राम को 1977 में कांग्रेस पार्टी और सरकार से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाबा साहेब बाबू जगजीवन राम जी के अलावा कांग्रेस ने अन्य कई दलित नेताओं का अपमान किया। राजीव गांधी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टी अंजैया जो दलित समाज से आते थे उन्हें सैकड़ों लोगों के सामने फटकार लगाते हुए मस्करा तक कह दिया था। आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों का दमन किया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और कांग्रेस दलित हितेशी होने का ढकोसला कर रही है। मैंने एनएम का नाम दिया था, उसमें चार तो थी दलित, एक थी ब्राह्मण,
वो सीमा शर्मा लिखा हुआ था उसका कर दिया, चारों एससी और एमजी किया। कांग्रेस चाहे कितने भी ढकोसले कर ले, लेकिन कांग्रेस से बार बार धोखा खाने वाला दलित समाज अब कांग्रेस की सच्चाई जानता है।